नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, राइट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो आप ये चीज याद रखना और मेंस में भी उपयोग करना, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, कि इंडिया को ज्ञान का सुपर पावर जो है वो बनाना है। कब तक? 2030 तक। ये भी टारगेट इसका 2030 का है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, एक आई थी 1968, एक आई थी 1986 और ये वाली जो है वो 2020 की है। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा जो है वो बन जाए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब सभी बच्चे, मतलब सभी स्कूल जो है वो फुल हो जाए, सभी बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, प्री से लेकर, प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो मतलब 100% करना है, 100% 2030 तक। फिर 10+2 का जो कॉन्सेप्ट चलता है उस कॉन्सेप्ट को हटाकर 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लेकर आए, मतलब कि 12 इयर्स की जो है वो फुल स्कूलिंग, स्टैंडर्ड स्कूलिंग, और 3 साल का प्री स्कूल जो कि आंगनवाड़ी वगैरह में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें एज स्लैब भी है जो आपको ध्यान में रखना है, 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल का एज स्लैब है। देखो जो 3 से 6 साल के बच्चे जो है वो अनकवर्ड एज ग्रुप है उसको भी इन्होंने कवर्ड किया हुआ है प्री स्कूलिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। फोकस रखा गया है कि बेसिक लिटरेसी तो लोगों के पास होनी चाहिए, फोकस रखा गया है कि फाउंडेशनल यानी कि बेसिक लिटरेसी, राइट, साक्षरता तो मतलब लोग होने चाहिए, पढ़ना आना चाहिए उनको, रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए, न्यूमेरेसी का ज्ञान होना चाहिए यानी कि नंबर्स, बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। फिर वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल एजुकेशन पर भी फोकस किया गया और 6ठी क्लास से ही स्किल्स के बेसिस पर इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट्स को करने का मौका मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया कि एटलीस्ट 5वीं क्लास तक अगर बच्चे चाहें तो उनको मदर टंग लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है या रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है। फिर इसके अलावा टीचर्स, अब देखो टीचर जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तभी तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 ये फ्रेमवर्क तैयार किया है और तैयार किया है NCTE ने, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। और इस फ्रेमवर्क के तहत भी ये कहा गया है कि 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर्स की होगी वो 4 साल के BEd कोर्स की हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी का उपयोग आप एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आता है, कोई टॉपिक आता है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 का है और जिसमें 6 से 14 साल का एज ग्रुप जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि इन्वॉल्व है, कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो पढ़ने का पूरा अधिकार है। इवन जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलता है, जो अगेन एक फंडामेंटल राइट है, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। इवन अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एक ड्यूटी पेरेंट की है, आखिरी ड्यूटी पेरेंट गार्जियन की हम लोग को देखने को मिलती है। और क्या ड्यूटी है वो? वो ड्यूटी ये है कि उन्हें अपने जो बच्चे हैं उनको 14 साल से कम की उम्र के बच्चे जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट में आता है। पहले बार एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी।